चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ZTE ने पिछले साल Xone 20 Pro 5G फोन लॉन्च किया था, जिसमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया था, जो कि इस तरह का कॉन्सेप्ट फोन पेश करने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी। वहीं अब कंपनी Xone 30 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। यह जानकारी एक वेबसाइट Vivo पर पोस्ट किया गया है, जिसके टीजर में इस फोन का किनारा हल्का सा निकला हुआ है। तो ऐसे में दावा किया जा रहा है कि फोन का यह डिजाइन 200 मेगापिक्सल कैमरा को शामिल करने के लिए बनाया गया है। इसमें 2.7 बिलियन पिक्सल का यूज किया गया है। इस कैमरा से आप अंधेरे में भी साफ फोटो खींच सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा। वीवो वेबसाइट के अनुसार बेहतरीन फोटो के लिए इसमें सैमसंग का नया S5KGND इमेज सेंसर का यूज किया जाएगा। हालांकि कैमरा का पिक्सल साइज 108MP कैमरा से छोटा होगा, जिसे अभी हाल ही में सैमसंग के S20 अल्ट्रा में देखा गया था। इस फोन का डिस्प्ले 6.9 इंच का होगा। इसका रेजुलेशन 1080 पिक्सल या 1440 पिक्सल का दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इस फोन को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। ये फोन 5G के साथ आने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।